एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको बता दूं कि पेप्सी कंपनी, पेप्सी को कंपनी जो लेज अपने चिप्स बनाती है, जो अपने बच्चों को बड़ी खुशी से खिलाते हैं, उसमें पाम ऑयल का प्रयोग होता है। अगर आप लिपस्टिक लेडी जो लगाती है उसमें भी पाम ऑयल होता है। और 1990 के बाद ही ये जो कैंसर का इससे बड़ा, सबसे पहले आप ये समझिए कि कैंसर होता क्या है। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर देवेंद्र सेना शो, ये मेरे शो का नाम है जिससे आप जुड़ चुके हैं। इस पर हम एजुकेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में बात करते हैं। और आज का टॉपिक जो हमारा डिस्कशन कर रहे हैं वो ये है कि आजकल समाज में जो कैंसर फैल रहा है इतनी तेजी से, इसका क्या कारण है, क्या कारण हो सकता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। जो मैं आपको बताऊंगा ये सारा मेरा पर्सनल व्यू है, जो मैं ऑब्जर्वेशनल स्टडीज को देखकर आपको बता रहा हूं। दोस्तों, ये कहा जाता है कि आजकल कैंसर इसलिए ज़्यादा देखने को मिल रहा है क्योंकि हम लोगों का एज रेंज बढ़ गया है। पहले ये 50 साल तक होता था, अब 70-80 साल तक है, इसलिए शायद कैंसर बढ़ रहा है। लेकिन ये बात 100% ट्रू नहीं है, क्योंकि हम यंग एज में, 40s में, 30s में, 50s में कैंसर बहुत ज़्यादा देखे एज कम्पेयर टू अर्लियर एज। तो इसके पीछे हमारा खाना पीना किस तरीके से हो सकता है रिस्पॉन्सिबल, इस पर मैं आपसे बात करूँ। सबसे पहले तो हम ये बात अच्छी तरह समझ लें कि कैंसर का जो प्रेवलेंस है वो 2050 तक वेस्टर्न मीडिया के रिपोर्ट्स के हिसाब से कोई 75% बढ़ चुका हो। मैं दोबारा बोल दूं, आज जितना है उसका 75% बढ़ जाएगा अगले 26 साल। पहली बात तो ये ज़रूरी है समझने की। दूसरी बात ये ज़रूरी है कि 1990 के बाद कैंसर में एकदम बढ़ने की वृद्धि आई, तो हमें कोरिलेट करना पड़ेगा अपनी एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज से। एपिडेमियोलॉजी का मतलब है कि उसके बाद हमारे पे क्या बदलाव हुए दुनिया में और उसके बाद कैंसर कैसे बढ़ा, जिसके बारे में कुछ वेस्टर्न इंटरेस्ट बात नहीं करेंगे, लेकिन एक कॉमन पर्सन को इसकी नॉलेज जरूर होनी चाहिए। सबसे पहले आप ये समझिए कि कैंसर होता क्या है। कैंसर एक स्टेज ऑफ अनरेगुलेटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स होती है। हमारी बॉडी में सेल्स जो हैं लगातार शेड होते रहते हैं और नए सेल आते रहते हैं। ये बात सारे बॉडी के सेल्स के लिए ट्रू है, बट न्यूरोलॉजिकल टिश्यू के लिए ट्रू नहीं है। शायद तभी कभी कोई पैरालिसिस होता है, कभी ब्रेन की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो रीजनरेट नहीं करता। लेकिन अगर हमारे लिवर में कोई प्रॉब्लम आती है तो सातवां हिस्सा भी रह जाए तो लिवर फिर ग्रो कर सकता है। आपने देखा होगा कि नाखून लगातार बढ़ते रहते हैं, आप इनको काटते रहते हैं। जो मेल्स हैं उनको शेविंग करनी पड़ती है, उनके बाल बढ़ते रहते हैं। हमारे इंटेस्टाइन के सेल लगातार शेड होते रहते हैं और नए सेल आते रहते हैं। तो ये एक खास पैटर्न में होता है, ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा हो। इसके लिए भी रेगुलेशन होती है और इसके लिए हमारे सेल में लगातार म्यूटेशन होती रहती हैं, जो हमारे सेल को नॉर्मल म्यूटेशन होती है। लेकिन अगर किसी वजह से एबनॉर्मल सेल बॉडी में आने शुरू हो जाए तो हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है बहुत स्ट्रांग होता है, वो इमीडिएटली एबनॉर्मल सेल को पहचान लेता है, उसको एकदम डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर किसी वजह से एबनॉर्मल सेल की प्रोडक्शन बढ़ जाए, जो हमारी बॉडी रेगुलेट नहीं कर पा रही, या प्रोडक्शन सेम रहे लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाए जो उसको पहचान ना पाए, तो इन दोनों कंडीशन में सेल बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगेंगे, हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे तो कैंसर हो जाएगा। ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये बात समझ आई तो ठीक है, नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप पिछले 1-1.5 मिनट का दोबारा देख लीजिए। तो अब 1990 के बाद क्या हुआ है, मैं कहूँगा बहुत कुछ हुआ है। सबसे पहले तो वाइड रेवोल्यूशन आया। जो दूध हमारे यहाँ पिया जाता था, हमेशा दुनिया में दूध की स्केस्टी थी, हमारे इंडिया में जो दूध मिलता था वो हमारी अपनी प्रजातियों की गीर गाय की नस्लें और ऐसी गायों को जिनको हम देसी गाय बुलाते हैं उनसे आता था। उसके बाद क्या हुआ, बिकॉज ऑफ कमर्शियल कंसिडरेशंस, क्योंकि हमारी देसी गाय, गीर गाय वगैरह रोज़ का 6 लीटर से ऊपर दूध नहीं देती थी, और जर्सी गाय और होल्स्टीन गाय जो यूरोप की गाय हैं वो रोज़ का 30 से 35 लीटर दूध देती थी, हमारा दूध डिफरेंट हो गया।
ये कहना कि दूध जो देसी गाय का है वो है वो सेम नहीं है, क्योंकि जो देसी गाय का दूध है वो A2 मिल्क होता है और जो यूरोपियन गाय का दूध है वो A1 मिल्क होता है। भैंस का दूध, माँ का दूध, देसी गाय का दूध, कैमल का दूध, गोट का दूध, ये सब A2 मिल्क होते हैं। सबसे पहले तो ये फ़र्क आया। अब ये फ़र्क पूरी दुनिया में आया, इंडिया में नहीं। दूसरा फ़र्क क्या आया, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। पहले साल में एक बार फसल उगाई जाती थी, अब सेम सॉइल को यूज़ करते हुए साल में दो बार फसल उगनी शुरू हो गई। प्लस जो क्रॉप का करेक्टर था वो भी बदला गया। जैसे हमने ये देखा कि जो न्यूट्रिशन है वो बढ़ाने के लिए जो हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन मिनरल्स की, आयरन की ज़्यादा हो, क्योंकि इंडिया में आयरन की कमी है जनरली, तो क्रॉप को इस तरीके से किया गया कि उसमें जो एंटी न्यूट्रिएंट्स होकर फाइटेस कहते हैं उनकी मात्रा कम की गई, जिससे कि एब्जॉर्प्शन तेज़ हो सके। ये दूसरा चीज आया। तीसरा, कोई दवाइयाँ मार्केट में ज़्यादा चलने लगी, जैसे कि पेंटाग्लुजान, लुबिप्रजोल, जिससे अपने पिछले वीडियो में बताया है। फिर यूज ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, जिनको नॉन न्यूट्रिशियल स्वीटनर्स कहते हैं, जिनको आप लोग जनरली पूरा ब्रांड, मैंने एक ब्रांड के लिए नहीं कह रहा, पूरे ग्रुप के लिए कह रहा हूँ, शुगर फ्री कह के देते हैं, वो मार्केट में चलने लगी। तो इन सब की चेंजेस से हमारे न्यूट्रिशन में, हमारे खाने पीने में चेंजेस आए। और 1990 के बाद ही ये जो कैंसर का इश्यू बढ़ा, 1990 के बाद ही इस तरीके के चेंजेस आए। एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब मैं विषय पर आता हूँ, दुनिया में पाम ऑयल का प्रयोग होने लगा। पाम ऑयल पूरी दुनिया में इतना ज़्यादा यूज होता है, कुछ देशों को छोड़ के, जैसे यूरोप में, अमेरिका में बड़ा रिस्ट्रिक्टिव मात्रा में होता है, लेकिन इंडिया जैसी कंट्रीज में जहाँ पर नीड बहुत ज़्यादा है, पाम ऑयल यूज़ होता है, क्योंकि दुनिया भर में 40% एडिबल ऑयल की सप्लाई पाम ऑयल की जो होती है, उसकी कल्टिवेटेड लैंड केवल 5% ही है दुनिया में। मतलब इंडोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया, जहाँ पर पाम ऑयल प्रोड्यूस होता है, वो पूरा एरिया अगर पूरे वर्ल्ड का देखा जाए तो 5% यहाँ में ग्रोथ होती है इसकी पाम ऑयल के पेड़ होगी। लेकिन ये सप्लाई 40% को करते हैं, इसका मतलब है इसकी ये 4 से 5 गुना है जो लोकल हमारे तेल हैं, जैसे कि सरसों का तेल है, तिल का तेल है, सोयाबीन का तेल है। अब ये पाम ऑयल इतना ज़्यादा फ्रेंडली है क्योंकि ये ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर पर सॉलिड रहता है, इसकी अपनी कोई ऐसी खुशबू नहीं होती कि दूसरे की खुशबू को ये मास्क कर दे, और ये क्योंकि सॉलिड रहता है इसलिए अगर आप बेकरी आए तो कोई भी मॉल से खरीदे जाएंगे, जैसे पेस्ट्रीज हैं, केक है, क्रोइसेंट हैं, कुछ भी आप मार्केट से लेंगे, बंस हैं, उसके अंदर पाम ऑयल होगा। और तो और आप खाने पीने की चीज़ें छोड़ो, अगर आप लिपस्टिक लेडी जो लगाती है उसमें भी पाम ऑयल होता है, और जो साबुन हम यूज़ करते हैं उसमें भी पाम ऑयल होता है, शैम्पूज में पाम ऑयल होता है, तो पाम ऑयल का प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब इसके अंदर ये कहना कि पाम ऑयल हमारी सेहत को नुकसान करता है, इसमें दो राय हैं। एक तो ये है कि क्योंकि अब हम इतना आगे इस रास्ते पर पड़ चुके हैं कि वापस जाना मुश्किल है। पाम ऑयल की कंजम्पशन आज से 4-5 साल पहले पर पर्सन कोई 8 किलो की थी एक साल में, अब वो कहीं बढ़ गई होगी और आगे आके और ज़्यादा बढ़ेगी। और पाम ऑयल के बारे में ये बड़ा क्लियर है कि पाम ऑयल जो है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कुछ हैं जो कैंसर कर सकते हैं, ये स्टडीज में आया है, बट इसके बारे में सूचना का अभाव है और कोई इसके ऊपर इतनी रिसर्च नहीं कर रहा। यही कहा जाता है कि पाम ऑयल के बिना संसार में खाने पीने का सिस्टम चलेगा नहीं, क्योंकि कच्ची घानी का तेल पहले यूज़ होता था, आजकल रिफाइंड ऑयल यूज़ होता है, क्योंकि रिफाइंड ऑयल जो है उसकी यील्ड ज़्यादा होती है, जिस तरीके से पाम ऑयल की ज़्यादा होती है। लेकिन पाम ऑयल कुछ कंट्रीज अपने यहाँ नहीं यूज़ करते, खैर जिन्होंने कोशिश की इनको बंद करने की, जैसे आइसलैंड वगैरह है, इनको भी बाद में कुछ मात्रा में ये लेना पड़ा। बट एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको बता दूँ कि पेप्सी कंपनी, पेप्सिको कंपनी जो लेज अपने चिप्स बनाती है, जो अपने बच्चों को बड़ी खुशी से खिलाते हैं, उसमें पाम ऑयल का प्रयोग होता है, और वो इंडिया में होता है और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में होता है, बट यूरोप में, अमेरिका में नहीं होता। जब ये बात उठाई गई तो पेप्सिको के अथॉरिटीज ने कहा कि वो इंडिया में भी अब ब्लेंड ऑफ सम सनफ्लावर ऑयल और पाम ऑयल के कोई ब्लेंड की कोशिश कर रहे हैं। इनडायरेक्टली उन्होंने भी पाम ऑयल को ये नहीं कहा कि वो यूज़ नहीं होता, और ये भी नहीं कहा कि वो बंद होगा,
लेकिन पाम ऑयल जो ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस कंट्रीज है वहां यूज नहीं होता। अब पाम ऑयल के नुकसान क्या क्या है, ये लिपिड प्रोफाइल को बिगाड़ती है, एलडीएल को कम करते हैं, ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाते हैं, और हम सब जानते हैं कि हमारे हार्ट के लिए लिपिड प्रोफाइल का एबनॉर्मल होना बहुत ज्यादा मायने रखता है। और अगर आप पाम ऑयल का प्रयोग करते हैं तो आप अपना लिपिड्स को खराब। अब दूसरी बात जो मैंने शुरू किया था, मैंने आपको कहा था कैंसर कैसे बढ़ेगा, ये जितने ऑयल जो हमारे देश के नहीं है, हमारे जेनेटिकली सिस्टम के साथ ठीक नहीं है, इनको लेने से हमारा इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब है सेल का ग्रोथ टर्नओवर बढ़ जाता है, और उससे क्या होता है, जो हमारा अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। और डायरेक्टली भी पाम ऑयल को इसके लिए इम्प्लीकेट किया गया है। तो इसलिए ये कहना कि अगर कैंसर बढ़ रहा है तो इसके लिए हमारा डाइट जिम्मेवार है, ये मेरे ख्याल से उपयुक्त होगा। इसके लिए किया क्या जाए, अब तो आप मैं कहूँगा कि पाम ऑयल को यूज़ ना किया जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है विद पॉपुलेशन एक्सपोजर जो पूरी दुनिया में हो रहा है, इतना यूज़ हो रहा है इसका, इतना इंडस्ट्रियल यूज है। आप ये जरूर कर सकते हैं, इसका प्रयोग लिमिटेड कर लीजिए। आप अपने यहाँ पर डाइट में जितना नेचुरल खाया जा सके ऑर्गेनिक फूड खाइए, पैकेज फूड मत खाइए, क्योंकि ऐसा कोई बिस्किट आपको नहीं मिलेगा जिसके अंदर पाम ऑयल मार्केट से पाम ऑयल ना हो। और आप अगर कुकीज़ खाते हैं, ये सब कुछ खाते हैं, तो उससे आप पाम ऑयल को यूज कर रहे हैं, जो आपके हार्ट की प्रॉब्लम को भी बढ़ाएगा, डायबिटीज को भी बढ़ाएगा। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आज नहीं बोली, वो है रिगार्डिंग आर्टिफिशियल स्वीटनेस। आर्टिफिशियल स्वीटनेस भी हमारे इंटेस्टाइन के बैक्टीरियल फ्लोरा को चेंज करते हैं, और एज पर WHO गाइडलाइंस ऑफ मई 2023 उन्होंने क्लियरली कहा है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर लेने से हमारे को ओबेसिटी बढ़ती है, मोटापा बढ़ता है, कैल्शियम क्राइसिस 11-12% बढ़ता है, डायबिटीज बढ़ती है, और ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ये उन लोगों के लिए है जो डायबिटिक नहीं है, जो सोचते हैं कि आर्टिफिशियल स्वीटनर लेके उनका वेट कम होगा। तो अगर आप कैंसर से बचना चाहते हैं तो जितना कुदरती खाना हो सके वो खाइए, जितने प्रिजर्वेटिव वाला फूड है वो मत खाइए, पाम ऑयल का यूज कम से कम कीजिए। आज के सरकमस्टेंसेस में तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा। आप सबका मिश्रा जुड़ने के लिए धन्यवाद।